नमस्कार, वीकेपी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। संजय राउत को दिया ईडी ने झटका, पत्नी समेत करीबियों की 11 करोड़ की संपत्ति की जब्त। नागपुर में देह व्यापार करवाने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की जांच में जुटी है अजनी पुलिस। और नागपुर में उमस भरी गर्मी छुड़ा रही है पसीना, अप्रैल में 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है पारा। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के पतरा चौल भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी समेत उनके करीबियों की 11 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में दादर में राउत की पत्नी के नाम पर एक फ्लैट समेत करीबियां के रायगढ़ और पालघर जिलों में संपत्तियों का समावेश है। ईडी की कार्रवाई से सियासी माहौल फिर से गर्मा गया है। विरोधी पक्ष वाले बोलते कार्रवाई है म्हणून आज हे ओरडत आहेत, बोलत आहेत, परंतु आज जे चॅनलला काही दाखवलं जाते, ईडीने जी प्रेस नोट काढली आहे त्याच्यामध्ये 8 भूखंड दाखवले। आमचा फक्त 1 एकरचा भूखंड आहे, म्हणजे 50 गुंठेची जागा आहे। हे 8 भूखंड ईडीने आणि ज्यांनी कोणी हे कारस्थान केलं आहे, कटकारस्थान, त्यांनी कुठून आणले आम्हाला याची माहिती नाही। मराठी माणसाची संपत्ती असू नये का? कष्टाने कमवलेली संपत्ती आहे राऊत साहेबांनी, आणि जर आमच्याकडे अमाप संपत्ती असती तर मी त्यांचा बंधू आहे, सक्का भाऊ आहे, मी स्वतः L&T मध्ये नोकरी करतो। एक विचार करा, मी नोकरी केली असती का? एक मराठी माणसाला दाबण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि हे कोण बोलते? तुम्ही बघा, सगळ्याचं भाडेके तट्टू आहे, सगळे बाहेरून आलेले जे आहेत तेच बोलत आहेत, त्यांना पुढे केले जाते। हा कोण मोहित कंबोट? हा आत्ता दिसायला लागलेला आहे, आणि आज मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आहेत, आणि कुठेतरी मराठी माणसाला दाबायचं, त्याची गळचपी करायची आणि आपली सत्ता महापालिकेवर, आमचा झेंडा खाली उतरवून महापालिकेवर त्यांची सत्ता आणायचा प्रयत्न चालू आहेत, परंतु मराठी माणूस हे कदापि सहन करणार नाही। आपण नेहमी प्रसार माध्यमांपासून दूर असता, मात्र हे जे प्रकरण झालं त्यामुळे कुटुंबावर कुठेतरी मी आमच्या कुटुंबाला कोणतेही टेन्शन नाही आहे, कारण आमच्याकडे काहीच नाही आहे। आज तुम्ही पाहाल तर बऱ्याच ठिकाणी त्याही धाडी मारल्या की राऊत साहेबांचं काहीतरी आपल्याला प्राप्त व्हावं, काहीतरी मिळावं आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। मला एक सांगा की बिगरशासित जिथे भाजपची सत्ता नाही आहे, पश्चिम बंगाल असेल, महाराष्ट्र असेल, याच ठिकाणी धाडी ढकल्या जात आहेत। म्हणजे आमच्याकडे प्रॉपर्टी आहेत आणि आज यांचे नेते, यांचे आमदार, यांचे खासदार, यांच्याकडे प्रॉपर्ट्याच नाहीत। गोरेगाव इथल्या पत्राचाळीचा पत्ता चाळीचा आमचा काही संबंध नाही आहे। ही खोटी प्रकरणं निर्माण केली जात आहेत धमकीच्या जोरावर, ताकदीच्या जोरावर, सत्तेच्या जोरावर, आणि खोट्या प्रकारात अडकवलं जात आहे। सर्व कुभांड रचलं गेले, सर्व खोटं प्रकरण आहे। राऊत साहेब आज एवढे स्पष्टपणे बोलतात याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या की ते प्रामाणिक आहेत, निस्वार्थी आहेत, ते जे काही करतायत ते संघटनेसाठी करतायत। याच्या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार का? आणि आता साहेबांनी सकाळी स्टेटमेंट दिले न्यायालयाबद्दल, त्यामुळे मी लहान तोडी मोठा गाज घेणार नाही, मी बोलणं बरोबर नाही आहे। परंतु आम्ही कोणालाही सांगितलेलं नाही आंदोलन करा, परंतु शिवसैनिक आज उत्स्फूर्तपणे, शिवसैनिकच नव्हे तर संपूर्ण जनता उत्स्फूर्तपणे आंदोलनात उतरलेली आहे आणि याचा परिणाम तुम्हाला लवकरात लवकर दिसेल। उद्या ईशान्य मुंबई बंद होईल असं म्हणताय? नाही, अजून तसं काय नाही, कोणी आदेश दिलेला नाही आहे, जे काय आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल।
नागपुर में कुछ दिनों पहले दो क्लिप्स वायरल हो रही थी जिसमें एक लड़का एक आरोपी को गाली गलौज कर रहा था। इस क्लिप में दिखाए गए आरोपी दत्तू उर्फ खटिक दाभने को अजनी पुलिस थाने में पूछताछ करने पर पता चला कि वो लड़कियों को गोंदिया चंद्रपुर से बुलवाकर उनसे 2-3 हजार रुपए देकर देह व्यापार करवाता था। इस मामले में अजनी पुलिस को पता चला कि इनका एक रैकेट है जो पीड़ित लड़कियों से जबरदस्ती देह व्यापार करवाता था। इस रैकेट के मुख्य आरोपी दत्तू दाभने जो 16 साल जेल काटकर बाहर निकला था और मर्डर करने वाला आरोपी सचिन इंगले, ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी के आरोपियों की जांच में जुटी है। जी, जैसे मैंने कहा कि दो क्लिप्स वायरल हो रही थी जिसमें एक लड़का किसी आरोपी को गाली दे रहा था। जो आरोपी है उसका नाम है दत्तू उर्फ खाटिक दाभने। इसको हमने अजनी से इससे पूछताछ करने के लिए हमने इसको बुलाया था। उसकी पूछताछ से हमें ये जानकारी मिली कि इसका काम जो है लड़कियों को बुलाकर उन्हें वेश्या व्यवसाय करवाना। तो इसमें भी एक बड़ा सा रैकेट हमारे सामने आया है कि गोंदिया चंद्रपुर यहाँ से जो छोटी लड़कियाँ हैं उनको बुलाते हैं यहाँ पर और 2-2, 3-3 हज़ार में इनसे वेश्या व्यवसाय का काम इनसे कराया जाता है। तो उस सिलसिले में भी हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है जिसमें ये दत्तू है, ये पहले मोका का आरोपी रह चुका है और 16 साल जेल काट के इस जेल की सज़ा ये काट कर आया है। और एक जो सचिन इंगड़े इसमें जो आरोपी है वो भी मर्डर का कन्विक्ट आरोपी है जो सज़ा काट रहा था, अभी पैरोल के ऊपर बाहर है। तो ऐसे ये इनकी कड़ी है और इसमें और 2 लोग हैं, 4 लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट किया हुआ है। और भी इसमें SSB ब्रांच जो है हमारी और यूनिट 4 जो है क्राइम ब्रांच का, वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें जो भी सामने और आएगा उसमें हम लोग कार्रवाई। इस मामले में जो पीड़ित है ये 17 साल से कम उम्र की लड़की है, इसलिए हमने इसमें पॉक्सो के भी कलम लगाए हुए हैं, पीटा के हमने इसमें कलम लगाए हुए हैं, जुवेनाइन जस्टिस एक्ट का कलम लगाए हुए हैं और IPC 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी और 370A ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड जो कलम है ये हमने इसमें लगाया। अप्रैल के शुरुआती 5 दिनों से पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। चढ़े हुए पारे और आर्द्रता के बढ़े स्तर से उमस भरी गर्मी ने शहरवासियों को बेहाल कर दिया है। नागपुर में मंगलवार की सुबह आर्द्रता 73% दर्ज की गई जो कि पूरे विदर्भ में सर्वाधिक थी। इस वजह से उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। इतना ही नहीं, आगामी कुछ दिनों तक पसीने छुड़ाने वाली गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तैयार हुआ जिसकी वजह से आसमान में आर्द्रता का स्तर बरकरार रह सकता है। नागपुर जिले की बात करें तो पाएंगे कि 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उसके बाद 2 अप्रैल को 41.1, 3 अप्रैल को 40.3, 4 अप्रैल को 41.2 और 5 अप्रैल को 41.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इससे साफ है कि गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों तक आसमान में छिटपुट बादल छाए रहेंगे। नंदुरबार जिला एक सुदूर क्षेत्र में स्थित है और कुछ गांवों में सड़कों की कमी के कारण धड़गांव अक्कलुआ क्षेत्र के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण यहाँ के लोग परेशान हैं। इसके चलते एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस, फ्लोटिंग एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस एक क्षेत्र में ज्यादा कारगर नहीं है। इस पर नंदुरबार के 8वीं कक्षा के छात्र प्रणव वादळकर ने ड्रोन एम्बुलेंस का विकल्प सुझाया है। इस पर योजना को बाल विज्ञान सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत किया गया। ड्रोन एम्बुलेंस एम्बुलेंस ड्रोन अटैच केल्यावर जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊ शकतो आणि कमीत कमी कालावधी लागतो। याला सोलर प्लेट जोडली आहे म्हणजे याच्या बॅटरीचा बॅकअप जास्त वाढतो। बस बस ओके
आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भारत सरकारच्या वतीने 10 ते 17 वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञानविषयक जाणीव जागृती निर्माण व्हावी या दृष्टीने राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या परिसरातील समस्यांना विचार करून त्याच्यावर वैज्ञानिकदृष्ट्या काय उत्तर काढू शकतो या संदर्भातला एक छोटा लघु संशोधन प्रकल्प सादर करायचा असतो. या प्रकल्प सादरीकरणाच्या निमित्ताने विद्यार्थी अनेक गोष्टी शिकत असतात. नंदुरबारात गेल्या 15 वर्षांपासून हा प्रकल्प सुरू आहे. याच्यात शाळेत जाणारे आणि शाळाबाह्य असे सर्वच विद्यार्थी, म्हणजे क्लासेस वगैरे सगळ्या ठिकाणी जाणारे विद्यार्थी पण याच्यात भाग घेऊ शकतात. नंदुरबार जिल्ह्यातून आत्तापर्यंत यावरपर्यंत जर विचार केला तर 12 प्रकल्प हे राज्यस्तरावर गेलेले आहेत आणि 3 प्रकल्प हे राष्ट्रीय स्तरावर गेलेले आहेत. यंदाच्या वर्षी पण खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद या परिषदेला मिळाला. 163 नोंदणी झाली प्रकल्पांची आणि त्याच्यातून 63 प्रकल्पांचं प्रत्यक्ष सादरीकरण झालं. त्याच्यातून 16-12 प्रकल्प हे राज्यस्तरापर्यंत गेले आणि एका प्रकल्पाची राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणी झाली. जी राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणी झालेला प्रकल्प म्हणजे यावर्षीचा प्रणव वडाळकर या 7-8 विद्यार्थ्यांनी अविनाश भांबरे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर केलेला ड्रोन ॲम्ब्युलन्स दुर्गम भागातील रहिवाशांना आरोग्यविषयक सुविधा लवकरात लवकर मिळण्यासाठी ड्रोन ॲम्ब्युलन्स कशा पद्धतीने करता येईल असा असलेला प्रकल्प मांडला. श्रीराम कोचिंग क्लासेससारख्या असलेल्या खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या वतीने हा 3रा प्रकल्प त्यांचा राज्यस्तरावर जातो आहे, जो एक राष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळंच असलेलं दिशा दाखवतो आहे की फक्त प्रायव्हेट खाजगी कोचिंग क्लासेस हे फक्त एज्युकेशनचं काम नाही करत तर सोबत सोबत या पद्धतीने अदर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पण पार्टिसिपेट करतात. त्यामुळे बालविज्ञान परिषदेच्या सारख्या असलेल्या प्रकल्पात अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी उत्स्फूर्तपणे भाग घ्यावा. याच्याने होणारं असलेलं डेव्हलपमेंट हे खूप मोठ्या प्रमाणात फायदेशीर असू शकतं असं मला वाटतं. धन्यवाद. नंदुरबार जिल्हा अतिदुर्गम भागामध्ये वसलेला आहे. आजही नंदुरबार जिल्ह्यातल्या काही अतिदुर्गम भागातल्या काही एरियामध्ये त्या ठिकाणी रस्ते नाही आहेत, अशा ठिकाणी वाहनं पोहोचू शकत नाही. जर अशा परिस्थितीमध्ये एखादा रुग्ण आजारी पडला तर त्याला रुग्णालयामध्ये पोहोचवण्यासाठी रुग्णवाहिका त्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही आणि म्हणून आजही तिथले रहिवासी बांबुलांचा वापर करतात. बांबूची झुडी करून त्यामध्ये अत्यवस्थ स्थितीमध्ये असणाऱ्या रुग्णाला टाकतात आणि त्याला रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा स्थितीमध्ये रुग्णाचा जीवसुद्धा जाण्याची शक्यता असते आणि म्हणून मग याच्यावरती असं सातत्याने बऱ्याचदा अशा घटना देखील घडल्या आहेत, रुग्णांचे जीव देखील गेलेले आहेत आणि म्हणून मग आम्हाला असं वाटलं की याच्यावरती काय पर्याय सुचवता येणार आणि म्हणून राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेच्या माध्यमातून श्रीराम कोचिंग क्लासेसमार्फत आम्ही ड्रोन ॲम्ब्युलन्सचा पर्याय सुचवला. प्रणव वडाडकर या 8 विद्यार्थ्यांना सदरचा प्रकल्प मांडला. त्या प्रकल्पाचं जिल्हा विभाग त्याच्यानंतर राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर सादरीकरण करण्यात आलं. सदर ड्रोन ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्याचे जलद गतीने त्याला रुग्णालयापर्यंत पोहोचवता येऊ शकतं. याच्याशिवाय रुग्णापर्यंत औषधे पुरवठा करायचा असेल वेगानं तरी तो करता येऊ शकतो. याशिवाय सदर ड्रोनच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचं तो बहुपयोगी ड्रोन आहे. सदर ड्रोनच्या माध्यमातून आपल्याला जमिनींचं सीमांकन करता येऊ शकतं. त्याचप्रमाणे पूर परिस्थिती असेल तर अशा वेळेला तात्काळ त्याची पाहणी देखील करता येऊ शकते. वनक्षेत्रामध्ये नियंत्रण ठेवता येऊ शकतं कारण की त्या ड्रोनमध्ये आपण कॅमेरा बसवलेला होता. यासोबतच एखाद्या वेळेला आता दुर्गम अतिदुर्गम भागामध्ये जर औषधी पोहोचवायचं असेल तर ड्रोनच्या माध्यमातून देखील त्या जलदगतीने आपल्याला पोहोचवता येऊ शकतात. असा बहुपयोगी तो ड्रोन आहे. यामुळे शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन या भागामध्ये जर ड्रोन ॲम्ब्युलन्सचा पर्याय जो आम्ही सुचवला आहे त्याची अंमलबजावणी केली तर निश्चितपणानं आरोग्य सेवा गतिमान होण्यास मदत होईल अशी आशा आम्हाला वाटते. अकोला जिले के महान और शेलू बाजार के बीच 6 अप्रैल की दोपहर करीब 1 आइसक्रीम ले जा रहा कंटेनर पलट गया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, पर चालक व क्लीनर घायल हो गए हैं. अकोला से मंगरूल पीर तक का रास्ता अतीत में भी एक दुखद दुर्घटना का दृश्य रहा है. अकोला से वर्षा मोरे की रिपोर्ट. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. छह अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक
कृष्णाभाऊ खोपडे, विधायक, पूर्व नागपूर। सहा एप्रिल भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक आशिष गजानन खापरे, शहर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नागपूर। अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक श्रीमती चेतना राजू टांग, डायरेक्टर ललिता पब्लिक स्कूल, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर, पूर्व पार्षद व पूर्व शिक्षण सभापति नागपुर महानगर पालिका। अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक श्री गणेश शंकर रंभाड़, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर, मंत्री विनकर आघाड़ी भाजपा उत्तर नागपुर। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। नागपुर जिला कोविड मुक्त की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। अस्पताल पूरी तरह खाली हो चुके हैं, भर्ती मरीज शून्य है। जिला प्रशासन के आंकड़ों पर गौर करते तो पाएंगे कि नागपुर जिले में महज 12 सक्रिय मरीज ही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में नागपुर कोविड मुक्त हो सकता है। हालांकि नए पॉजिटिविटी मिलने और स्वस्थ होने के आंकड़े निरंतर बदल रहे हैं। जो सक्रिय मरीज है वे सभी होम आइसोलेशन में है। नागपुर में 11 मार्च 2020 को कोविड ने दस्तक दी, उसके बाद पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले दो वर्षों में कोविड की तीन लहरों ने जिले के लोगों को झकझोर दिया। पहली लहर में कोविड संक्रमण का सर्वाधिक असर शहरी इलाकों पर दिखा, लेकिन दूसरी लहर में शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण ने गदर मचा दिया।
अप्रैल 2021 में कोविड पीक पर पहुंच गया। इस महीने 2290 लोगों ने दम तोड़ दिया और 181,749 संक्रमित मिले। तीसरी लहर दो महीने में सिमट गई। जनवरी और फरवरी 2022 में तीसरी लहर का असर दिखा। हालांकि कोविड के पूरे संक्रमण काल में जिले में 577,752 संक्रमित मिले और 10,338 मौतें हुई। संक्रमितों में शहर के 3,99,617, ग्रामीण के 1,68,784, जिले के बाहर के 9,951 का समावेश है। शहर में 6,042 ने कोविड से जान गंवाई, जबकि ग्रामीण की 2,627 और जिले के बाहर के 1,669 की मौत है। शहर पुलिस में हुए आंतरिक फेरबदल के तहत पुलिस निरीक्षक स्तर के 20 अधिकारियों को बदला गया है। इनमें 6 थानेदार भी शामिल है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गत दिनों थानेदारों की कामकाज को लेकर खिंचाई की थी। हुडकेश्वर के थानेदार सार्थक नेते, जरीपटका के वैभव जाधव, यशोदरा के संजय जाधव, शांतिनगर के गणेश जामदार का नियंत्रण कक्ष, इमामवाड़ा के राजेंद्र कुमार सानप का आर्थिक शाखा तथा वाड़ी की लता तोड़ासे का क्राइम ब्रांच में तबादला किया गया है। क्राइम ब्रांच में मुकुंदा सालुंगे को भी नियंत्रण कक्ष तथा ट्रैफिक के जगविंद्र सिंह राजपूत को क्राइम ब्रांच भेजा गया है। क्राइम ब्रांच की हुडकेश्वर विशेष शाखा के संतोष बाकल को जरीपटका, आर्थिक शाखा के राजकमल वागमारे को इमामवाड़ा, क्राइम ब्रांच के विश्वनाथ चव्हाण को यशोधरा, प्रदीप रायनावार को वाड़ी तथा ट्रैफिक ब्रांच के बबन येड़गे को शांतिनगर की थानेदारी सौंपी गई है। इसी तरह वाड़ी थाने के निरीक्षक भारत कराड़े को शांतिनगर, अजनी के MS अंभोरे को कलमना, क्राइम ब्रांच के महेश सागले को अजनी, विशेष शाखा के शरद कदम को जोन 2 का रीडर तथा कलमना के विनोद गोड़बोले को वाड़ी में बतौर दुय्यम निरीक्षक तैनाती दी गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ तबादले की चपेट में आए कुछ थानेदारों को पहले ही संकेत मिल गए थे। परोट तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार से मारपीट कर उनसे गाली गलौज करने के आरोप में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे को स्थानीय अदालत ने 3 माह की साधारण कैद तथा 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 1 माह की सजा काटनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 SS अड़कर ने मंगलवार को अनिल बोंडे को सजा सुनाई। ज्ञात हो कि वरुड़ तहसील कार्यालय में 30 सितंबर 2016 को यह घटना हुई थी। इसमें नायब तहसीलदार नंदकिशोर काले को अनिल बोंडे ने वरुड़ तहसील कार्यालय में बुलाया था। साथ ही कहा कि संजय गांधी निराधार के 240 आवेदनों में खामियां क्यों निकाली, मेरे कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा कहते हुए धमकाया। इसके साथ ही काले से पटवारी बंसरे तथा नायब तहसीलदार सहारे के समक्ष मारपीट की, सरकार के आदेश की कॉपी तथा फाइल फाड़ दी, जान से मारने की धमकी दी थी। अनिल बोंडे ने कहा, पूछताछ करने के लिए जाने पर लगाओ 353, यह नीति गलत है। मंगलवार को तुरंत जमानत मिल गई। जिला सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल करूंगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोप लगाया है कि नागपुर के वकील सतीश उके और उनके भाई ने फर्जी भूमि दस्तावेज बनाकर शहर की जमीनें हड़पी है। ईडी ने दोनों आरोपियों को गत 31 मार्च को धन शोधन रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 6 अप्रैल तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी के अनुसार दोनों भाइयों के खिलाफ धन शोधन का मामला नागपुर पुलिस में उनके खिलाफ दर्ज 2 प्राथमिकियों से संबंधित है। सतीश उके और प्रदीप उके के खिलाफ पहली पुलिस प्राथमिकी दिवंगत मोहम्मद समत के भतीजे मोहम्मद जफर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो नागपुर के मौजा बोखारा में 5 एकड़ जमीन के मालिक थे। प्राथमिकी में आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया। दूसरी प्राथमिकी ऐश्वर्य सहकारी गृह निर्माण संस्था की सचिव शोभा रानी राजेंद्र नालोडे ने सतीश उके, प्रदीप उके और अन्य के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नागपुर के मौजा बाबुलखेड़ा में स्थित उनकी सोसाइटी की 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ईडी ने एक बयान में कहा, अब तक की जांच से स्पष्ट हो गया है कि सतीश उके और प्रदीप उके ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी का सहारा लेकर चंद्रशेखर नामदेवराव माटे और खैरुन्निसा के नाम पर नकली POA पावर ऑफ अटर्नी बनाई और अवैध रूप से जमीन हड़प ली। जमीने अभी भी सतीश उके और प्रदीप उके के अवैध कब्जे में है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में पहला बिखराव आज देखने को मिला। काफी दिनों से आघाड़ी से नाराज चल रहे स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने आज सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। हालांकि राजू शेट्टी के समर्थन वापस लेने से बहुमत संख्या बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटक म्हणून राहूच शकत नाही, कारण स्वाभिमानीचा पाया बेस मुळात शेतकऱ्यांचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा राजकारण सत्ता प्राप्ती किंवा निवडणुका जिंकणं हे उद्दिष्ट पूर्वी नव्हतं,
भविष्यतही असणार नाही. तो आज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक समाज सेविका राजश्री मांडळकर. छह अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक राजू दरोड़े, वार्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 21. छह अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक सुभाष भाऊ कोटेचा, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य तथा प्रोटोकॉल समिति प्रमुख.